उमेश पाल कांड के बाद मायावती के रडार पर माफिया अतीक का परिवार। क्या योगी से बड़ा एक्शन लेंगी मायावती? आग बबूला हुए योगी आदित्यनाथ। इसके बाद गुस्से में लाल हुई मायावती, राज्यपाल का नाम लेकर किया बड़ा ऐलान। उमेश पाल और उनके गनर की मौत के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत सुलग रही है। पहले योगी आदित्यनाथ ने सदन में विपक्ष को ललकारा, फिर अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर पलटवार किया। योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया था, माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा। उमेश पाल की जान लेने के आरोप अतीक अहमद के गैंग पर लगे हैं। अब तक अतीक अहमद के घर से 7 लोगों को हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लिए गए 7 लोगों में अतीक अहमद के 2 बेटे भी शामिल है। उनके अलावा बेटों के 4 दोस्तों को भी हिरासत में लिया गया। यहां तक कि घर पर काम करने वाले नौकर को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। यानी एक तरफ अतीक अहमद के परिवार पर योगी सरकार ने शिकंजा कस दिया है और दूसरी तरफ मायावती एक्शन की तैयारी में है। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने अपने परिवार और समर्थकों के साथ 5 जनवरी को बीएसपी ज्वाइन की थी। उनको प्रयागराज सीट से मेयर प्रत्याशी बनाए जाने का भरोसा भी दिया गया था, लेकिन अब अचानक राज्यपाल केस के मुख्य गवाह उमेश पाल और उनके गनर की जान जाने के बाद अतीक और उनके परिवार का नाम सियासी गलियारों में गूंज उठा है। कहा जा रहा है कि मायावती अतीक के परिवार पर एक्शन लेने की तैयारी में है। इसके लिए पार्टी में मंथन शुरू हो चुका है और जल्द ही शाइस्ता परवीन और उनके समर्थकों को बीएसपी से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। इस केस के बाद मायावती ने ट्वीट किया है, प्रयागराज में राज्यपाल केस के मुख्य गवाह अधिवक्ता उमेश पाल और उनके गनर की दिन दहाड़े जान लेने की घटना अति दुखद और निंदनीय है। ये घटना यूपी सरकार के कानून व्यवस्था के दावों की पोल खोलती है। सरकार मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी उच्च स्तरीय जाँच कराकर दोषियों को सख्त सजा दिलाए। उनको जितना मट्टी में मिला ना मिलाए, इसलिए उन्होंने मेरे बेटे को मारा है। लेकिन इसके साथ साथ मुझे मेरी बहू के लिए, बच्चों के लिए मुझे चाहिए भाई, सेवा के लिए, बहू के लिए कोई सर्विस का ठिकाना कराए। वो हाई कोर्ट वकील ही करता था, बहू कहाँ जाएगी। अतीक अहमद पूर्वांचल के माफिया के नाम से मशहूर हैं। पिछले 43 सालों में अतीक पर 100 के करीब मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन हमेशा अतीक पर आरोप लगते रहे कि वो राजनीतिक संरक्षण और बाहुबल की वजह से सजा पाने से बचता चला आया। अतीक ने कभी गवाहों को डरा धमका कर तो कभी ठिकाने लगवा कर अपने अपराध की धमक और डर को कायम रखा। अब फिलहाल अतीक अहमद का पूरा परिवार योगी सरकार की रडार में है और मायावती शाइस्ता परवीन और उनके समर्थकों को बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी में है। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।